लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही रंगों के त्योहार होली पर भी राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। कानपुर में पीएम मोदी का मुखौटा इस समय होली के बाजारों की पहली पसंद बन गया है। इसकी कीमत दूसरे मुखौटों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाजार में इन मुखौटों की मांग ज्यादा है। बाजार में बाकायदा मोदी मुखौटों का लगातार प्रचार भी किया जा रहा है। मोदी की लोकप्रियता के चलते मुखौटे हाथों हाथ बिक रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानदार पहले से ही मोदी मुखौटे का ऑर्डर दे चुके हैं। सर, सबसे खास तो मोदी का मुखौटा आया हुआ है जो काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। और बाकी होली का आइटम नॉर्मली सालों साल आता है, वो ऐसे ही चल रहा है। मुखौटी जो आइटम है मोदी जी का, ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये 100 रुपीज़ का बिक रहा है। इतना महंगा है उसके बावजूद भी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो आई होप ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। वहीं मऊ में इस बार होली पर्व इको फ्रेंडली होकर मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला अधिकारी ने लोगों से केमिकल युक्त रंगों के बजाय पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल करने की अपील की है। दरअसल जिला अधिकारी कार्यालय में शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित नगर के सम्मानित सदस्यगण मौजूद रहे। इको फ्रेंडली होली की मैंने अपील की है, माननीय आयोग ने जिस प्रकार इको फ्रेंडली इलेक्शन के लिए अपील किया है, उसी तरह से मैंने अपील की इन लोगों से इको फ्रेंडली करें, उसमें केमिकल के रंग से बचें, क्योंकि केमिकल रंग लेने से चेहरा भी विरूपित होता है और तरह तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अखलाक के साथ होली मनाने की चर्चा यहाँ पे हुई। इसके अलावा डीएम ने होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की मदद करने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी और मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।